काफ़ी परेशानी आ रही है, लंबी लंबी ट्रैक्टरों की लाइनें लगती हैं, काफ़ी देर में जो खरीद हो रही है, किसान काफ़ी परेशान हो रहे हैं, कई जगह से परेशानी की खबरें आ रही हैं। देखिए, हरियाणा अकेला प्रदेश है जो MSP पर बाजरे की खरीद करता है या भावांतर भरपाई देता है, बाजरा किसान के हित में फैसला करता है। और किसान भाइयों से मैं बार बार यही प्रार्थना करता हूँ कि अभी हमारी कमर्शियल परचेज चल रही है, एफेड जो परचेज कर रही है 2200 रुपये में, और 300 रुपये जो भावांतर भरपाई का पैसा हम डालेंगे और भाव बढ़ गया तो उसी हिसाब से पैसा डालेंगे, तो साफ़ सुथरा माल लेके आएं, सफाई का ध्यान रखें, और जो साफ क्वालिटी का माल आएगा उसकी खरीद में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये खरीद जो है हरियाणा के किसानों के लिए है, जिस किसान की वेरीफाइड है कि हरियाणा का किसान है, उसने बाजरा बो रखा है, उनका बाजरा खरीदेंगे, और जो काला बाजारी करने वाले लोग हैं, दूसरे प्रदेशों का बाजरा लाते हैं, वो हम नहीं खरीदेंगे। सर, बात के बाजरे के MSP को लेकर सियासत भी काफ़ी हो रही है, विपक्षी दल कह रहे हैं कि अगर MSP तय की है तो MSP पर ही खरीद हो, ये भावांतर के चक्कर में किसानों को काफ़ी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है, किसी को मिलता है किसी को नहीं भावांतर। MSP तो बहुत चीज़ों की जो विपक्ष सत्ता में था तब भी थी, वो एक दाना भी नहीं खरीदते थे। ये हमारी कमिटमेंट है हरियाणा के किसानों के प्रति कि हम 2500 रुपये की MSP है, जो आज के दिन गेहूं से भी ज़्यादा है, धान से भी ज़्यादा है, और जितने किसानों ने बाजरा बोया हुआ है सबके बाजरा या तो हम खरीदेंगे या उसको भावांतर भरपाई देंगे। किसान खुश है, और किसान के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं वो राजनीति कर रहे हैं। काफ़ी पहले से काफ़ी कम हुई है संख्या धान की प्राण जड़ाने की, लेकिन ख़त्म नहीं हुई, कई किसानों पर केस भी दर्ज हो रहे हैं, अभी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। देखिए, बार बार हम प्रयत्न करते हैं, किसानों को प्रेरित भी करते हैं कि पराली ना जलाएं, और पंजाब के मुकाबले हम 10% भी पराली हमारे किसान नहीं जलाते। पराली के लिए हमने मशीनरी 80,000 दी है प्रबंधन के लिए, पराली गौशाला में जाए उसके लिए नीति बनाई है, पराली के लिए से उससे जो एथेनॉल बने उसके लिए प्लांट लगा है पानीपत में, और बहुत सारी मशीनें सब्सिडी पे हमने दी हैं। अब जो पूसा का डिकम्पोजर है उसका भी छिड़काव करवाएंगे, और मैं मानता हूँ कि हरियाणा का किसान इस तरफ पूरी तरह ध्यान दिए हुए है। इक्का दुक्का घटनाएँ होती है, जो फिर भी जलाता है तो उसको जुर्माना लगाते हैं हम। अरे, दूसरी तरफ जब पंजाब में सरकार नहीं थी केजरीवाल जी की, जब हरियाणा और पंजाब के किसानों को जिम्मेदार ठहराते थे, अब उनकी पंजाब में सरकार आ गई तो वो किसानों की बजाय वो दिल्ली की धुएं की, दिल्ली की बिल्डिंग को जिम्मेदारी देते हैं कि प्रदूषण इस वजह से है। पराली अकेला कारण नहीं है दिल्ली में प्रदूषण का, बहुत सारे मानक हैं, उस तरफ वहाँ ध्यान देना चाहिए, और किसानों को दोषारोपण किसानों के ऊपर नहीं करना चाहिए। सर, उपराष्ट्रपति से मिले हैं आप, तो किस मामले में मिले हैं, क्या बात रखते हैं? कुछ इससे चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में 8, 9 और 10 अक्टूबर को किसान मेला होगा, और इसमें जो उत्तम बीज हैं नए नए वो दिखाए जाएंगे, नई नई विधियाँ कृषि की हैं वो दिखाई जाएंगी, प्राकृतिक कृषि के बारे में बताया जाएगा, नई नई मशीनरी आई हैं, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, खेती के बारे में जो भी जानकारी, जो भी कंपनियां, यूनिवर्सिटी, सरकार के पास योजनाएं हैं वो सब चीज़ दिखाई जाएंगी। लाखों की संख्या में यहां किसान होंगे, आएंगे। किसानों के मनोरंजन के लिए हमने पूरी व्यवस्था की है, लाने ले जाने के भी हम सुविधाएं देंगे, और खुशी की बात है कि इस बार जो इस मेले का शुभारम्भ हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, जो एक खुद किसान हैं, किसान पुत्र हैं, वो इसका शुभारंभ करेंगे। 9 तारीख को हमारे महामहिम राज्यपाल जी आएंगे, 10 तारीख को हमारे मुख्यमंत्री जी आएंगे, और वो प्रगतिशील किसानों को जो उनकी इनाम देने की हमारी योजना है इनाम भी देंगे। बहुत ज़्यादा खुशी की लहर है किसानों में, और हरियाणा सरकार किसान हित में एक से एक बढ़कर निर्णय लेते जा रही है। सर, राजस्थान में पड़ोसी राज्य में चुनाव, तो क्या आपकी भी ड्यूटी लगी और कहाँ कहाँ जाएंगे, कितने दिन तक जाएंगे?
मेरी ड्यूटी पहले थी कोटा में, अब जो है चुरू डिस्ट्रिक्ट में ड्यूटी लगी है जिसके अंदर 6 विधानसभा है। आज मैं अभी जा रहा हूँ जिनमें से तारानगर और चुरू और एक राजगढ़ के पास से ये क्षेत्र है, 3 विधानसभाओं में जाऊँगा और आने वाले 2 महीने जब तक चुनाव नहीं हो जाते मोटा मोटी मैं चुरू डिस्ट्रिक्ट की 6 विधानसभाओं का मैं रहूँगा। और माहौल बहुत अच्छा है, निश्चित तौर पर राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और राजस्थान के किसान देखते हैं कि हमारे पड़ोस का क्षेत्र है कि हरियाणा की नीतियाँ कितनी प्रो फार्मर हैं, खाद हमारे यहाँ से लेके जाते हैं, हम बाजरा खरीद रहे हैं MSP पे, वो वहाँ बाजरा नहीं खरीदते, ट्यूबवेल का रेट हमारे से वहाँ 10 गुना ज़्यादा है, फसलें खरीदने के लिए वहाँ मंडियों की व्यवस्था नहीं है। तो हरियाणा सरकार की जो नीतियाँ हैं भारतीय जनता पार्टी की, उससे किसान बहुत प्रभावित हैं और वो चाहते हैं कि वही सरकार जो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की है वो राजस्थान में भी आए।